हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं रफ्तार से। तो रफ्तार जो है वो अपाचे इंडियन सर के साथ देखने को मिला है। तो अपाचे इंडियन सर ने एक पोस्ट डाली थी रफ्तार के साथ में, ऑलवेज एन ऑनर टू मीट अप विथ अ ग्रेट रफ्तार, लव एंड रिस्पेक्ट माई ब्रदर, ब्लेसिंग्स टू द फुल टीम। तो रफ्तार का जो बैंगलोर में शो हुआ था उसी के बाद वो मिले थे उनसे। साथ ही रफ्तार का एक वीडियो भी देखने को मिला है उसी शो से। तो ज्यादा उससे रिलेटेड कुछ पता नहीं चला है, पर यहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हो। बंकर इसको, गाइस प्लीज बिहेव, पैसे लेकर के आओ। ठीक है, मैं उसके नाम से नाम कमाना नहीं चाहता। तो अब बात कर लेते रायचू के बारे में। तो नेवर बैक डाउन जो ट्रैक है रफ्तार का, उसका रिमेक बनाया है रायचू ने, तो ये आप लोग जाके सुन सकते हो। तो अब बात कर लेते एमसी स्टैन के बारे में। तो अर्शी खान जो कि एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है, उनसे पूछा जाता है एमसी स्टैन के बारे में, तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई करती है। यार मैं कंफ्यूज थी प्रियंका के बीच में एंड शिव के बीच में, लेकिन अभी मुझे पल्ला थोड़ा सा भारी एमसी स्टैन का भी लग रहा है। तो अब बात कर लेते किंग के बारे में। तो किंग के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो देखने को मिला है जिसका टाइटल है मान मेरी जान सुप्रीमेसी। तो किंग इसको शेयर करके लिखता है, नॉट हेजिटेटिंग इन सेइंग वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया नाउ। तो अब बात कर लेते एमिवे के बारे में। तो एमिवे का कंपनी ट्रैक 9 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और 800K से ज्यादा इसके लाइक्स हो चुके हैं और 100K कमेंट्स भी होने वाले काफी जल्द। इसके अलावा कलेशी छोरी ट्रैक पे 1 मिलियन रील्स हो चुकी है। हनी सिंह अभी स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है और उनका जो लश्कारे ट्रैक आने वाला है उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है और ये 10 फेब को देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।